हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश रंजन आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वालिटी के बारे में। व्हाट इज क्वालिटी, क्वालिटी क्या है, क्वालिटी क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना आप लोग और अच्छे से समझना वो क्या क्या होते हैं, क्योंकि क्वालिटी एक बहुत बड़ी टॉपिक है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं क्वालिटी के डिफिनीशन के बारे में। क्वालिटी का डिफिनीशन क्या होते हैं? तो दोस्तों, क्वालिटी को हिंदी में हम लोग गुणवत्ता कहते हैं। गुणवत्ता, क्वालिटी हर वो प्रोडक्ट में होता है जो प्रोडक्ट बनते हैं, मैन मेड होते हैं, उनकी क्वालिटी होती है, उसी आधार पर वो मार्केट में भी सेल किया जाता है। क्वालिटी हर वो प्रोडक्ट में मौजूद होती है जो हमारे इस्तेमाल में आती है। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी को देखते हैं, क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी को इन्हीं सब के ऊपर डिफाइन भी किया गया है, जिसके अलग अलग मीनिंग भी है। जैसे कि क्वालिटी इज ए डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, फिट फॉर पर्पस, कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट, इट इज़ ए वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस, क्वालिटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ये सारे क्वालिटी के डिफिनेशन है जिसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। दोस्तों, क्वालिटी देखा जाए तो आप कोई भी कंपनी ले लो, जो भी प्रोडक्ट बनाती है उस कंपनी में क्वालिटी का एक अहम रोल होता है। चाइल्ड पार्ट से लेकर के कस्टमर एंड तक भेजने तक, जैसे एग्जांपल में हम लोग समझते हैं क्वालिटी के बारे में। जैसे आप लोग दुकान पे गए, कोई जीन्स लेना हो या आपको शर्ट खरीदनी हो, तो आप जाते हैं तो क्या देखते हैं? उस शर्ट के कपड़े की क्वालिटी देखते हैं, उसकी सिलाई को देखते हैं, उसके डिजाइन को देखते हैं। अगर वो आपको सही लगता है तभी आप कपड़े लेते हैं। या आप मान लो आप बर्तन लेने जाते हैं, जो भी है, अगर आप थाली ले रहे हो तो थाली को देखते हैं ना कि इसका डिजाइन कैसा है, क्या इसमें हमारे सारे आइटम आ जाएंगे खाने के या नहीं आएंगे, कहीं ये दबा तो नहीं है, कहीं डेंट तो नहीं है, इसका जो अपीयरेंस बोलते हैं, जो विजुअल लुक है वो कैसा है। तो ये होता है क्वालिटी। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। दोस्तों, क्वालिटी को दो भागों में बांटा गया है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, जिसको QA और QC भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पहले क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, क्वालिटी एश्योरेंस मतलब एश्योर करना। क्वालिटी एश्योरेंस एक सेट ऑफ एक्टिविटी है जिसमें जो इंश्योर करता है प्रोसेस से गुड आउटपुट निकले। यह डिफेक्ट के प्रिवेंशन पर काम करता है। यह एक प्रोएक्टिव अप्रोच है जिसमें जिसका मतलब होता है फाइनल आउटपुट से पहले काम करना। यह इंश्योर करता है कि जो मेथड, टेक्निक, स्टैंडर्ड बनाए गए हैं किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के, क्या वो करेक्टली इम्प्लीमेंट है या नहीं है। क्वालिटी एश्योरेंस का एक गोल है जिसमें जो कहता है रोबस्ट प्रोसेस, मजबूत प्रोसेस को बनाना ताकि डिफेक्ट जनरेट ना हो। सप्लायर से लेकर डिस्पैच तक सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के। प्रोसेस वेरिफिकेशन क्वालिटी एश्योरेंस का एग्जांपल है, जिसमें हम लोग पता करते हैं कि हमारा जो प्रोसेस चल रहा है वो सही से काम कर रहा है, सही दिशा में चल रहा है। तो दोस्तों, यह था क्वालिटी एश्योरेंस। अब हम लोग बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, जिसको हम लोग QC भी बोलते हैं। क्वालिटी कंट्रोल एक सेट ऑफ एक्टिविटी होता है जो इंश्योर करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी का, कि ये गुड है या बैड है। क्वालिटी कंट्रोल चेक और वेरीफाई करता है एक्चुअल रिजल्ट को, जो स्टैंडर्ड और मेथड डिफाइन किए गए हैं प्रोडक्ट और प्रोसेस के लिए, उसको कंपेयर करके जो एक्चुअल रिजल्ट आता है उसको मेजर करता है, इंश्योर करता है। QC इंश्योर करता है जो मेथड, टेक्निक, प्रोसेस डिजाइन किए गए हैं वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, क्या उस पर सही दिशा में काम कर रहे हैं या नहीं, जिस तरीके से स्टैंडर्ड बनाया गया है उसको इंश्योर करता है क्वालिटी कंट्रोल।
यह रिएक्टिव अप्रोच है और डिटेंशन कंट्रोल पर काम करता है, जिसका मतलब होता है फाइनल आउटपुट के बाद काम करना। यह फोकस करता है डिफेक्ट के आइडेंटिफिकेशन पर। क्वालिटी कंट्रोल का गोल है जो इंश्योर करता है अपने प्रोडक्ट के चेकिंग मेथड को, ताकि कोई भी डिफेक्ट कस्टमर के पास ना जाए। इसमें एक स्पेसिफिक टीम होती है जो कि इसको कंट्रोल करती है। स्पेसिफिक टीम में आते हैं आपके इंस्पेक्टर, आपके सुपरवाइजर, ऑपरेटर, ये सारे आते हैं जो उस प्रोसेस या प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। प्रोडक्ट वैलिडेशन टेस्टिंग क्वालिटी कंट्रोल का एग्जाम्पल होता है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक टेबल के थ्रू डिफ्रेंशिएट करके दोनों क्यों क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल को समझाता हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने देखा और समझा क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर करिए इसको, ताकि बहुत से लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।